हेलो एवरीवन, तो आज हम करेंगे ऑनर 7X की अनबॉक्सिंग। तो देख सकते हैं बॉक्स के पीछे आपको सारी डिटेल्स मेंशन है। जो हमारे पास वेरिएंट है वो 64 और 4G वाला है। तो आपको कुछ इस तरीके से बॉक्स मिलेगा। ऑनर 7X की ब्रांडिंग है बॉक्स के ऊपर। पीछे की तरफ आपको सारी डिटेल्स मेंशन है, जैसे कि इसमें मिल जाती है हमें 5.9 इंच की फुल HD स्क्रीन, 18:9 वाली ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है, 16:2 का 8 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा है इसका, 3340mAh की बैटरी है। तो कुछ ये हाईलाइट फीचर है इसके। तो चलिए जल्दी से खोल लेते हैं अपने बॉक्स को और देख लेते हैं हमारे मेन डिवाइस की तरफ ओनर ने हमें क्या क्वालिटी प्रोवाइड की है। तो जैसे ही बॉक्स खुल जाता है, बॉक्स के ऊपर की तरफ ही हमारा ओनर 7X रखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से मिलता है, देख सकते हो। पीछे की तरफ भी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है। चलिए इसका कर लेते हैं फिजिकल ओवरव्यू। सामने की तरफ आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है, नीचे की तरफ ओनर की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की तरफ आपको ड्यूल कैमरा सेटअप मिल जाता है 16:2 का, एक LED फ्लैश और एक फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको डिज़ाइन मिलता है। फ़ोन के लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम रॉकर्स के साथ एक पावर बटन मिल जाता है, राइट साइड में आपको सिम ट्रे मिल जाती है, नीचे की तरफ आपको एक हेडफोन जैक मिल जाता है, पावर पॉइंट मिल जाता है, स्पीकर मिल जाता है और एक माइक मिल जाता है। ऊपर की तरफ आपको नॉइज़ कैंसिलेशन माइक मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको फ़ोन मिलता है। फ़ोन का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। तो चलिए अभी के लिए रख लेते हैं साइड में, देख लेते हैं बॉक्स के अंदर हमें और क्या कंटेंट मिल जाता है। तो बॉक्स के अंदर हमें मिल जाते हैं कुछ EMI नंबर्स इस फ़ोन के। तो बॉक्स के अंदर हमें एक सिम इंजेक्शन पिन भी मिल जाती है, जो कि ऊपर की तरफ ही रखी हुई है। ये हमें एक मिल जाती है क्विक स्टार्ट गाइड, कुछ इस तरीके से मिलती है आपको। चलिए देख लेते हैं और बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। एक वारंटी कार्ड मिल जाता है Huawei की तरफ से, देख सकते हो उसे भी। तो अभी का यूज़ नहीं है तो रख लेते साइड में। एक हमें इसके साथ एक बैक कवर मिल जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वालिटी किस तरीके की प्रोवाइड की है हमें ओनर ने। तो ये ट्रांसपेरेंट है, वाइट कलर में मिलता है आपको, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। तो सिलिकॉन वाला है। तो चलिए एक बार लगा के देख लेते हैं फ़ोन के अंदर फिट एंड फिनिश किस तरीके की है। तो कुछ कवर लगने के बाद आपका फ़ोन इस तरीके से फील देगा, देख सकते हो। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आपके फ़ोन के कैमरे जो लगे हुए हैं उसके वो स्क्रैच वगैरह सभी बचाएगा। चलिए रख लेते हैं साइड में, देख लेते हैं बॉक्स की तरफ। तो ये मिल जाती है माइक्रो USB केबल, वाइट कलर में मिलती है, देख सकते हो। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी भी। तो कुछ इस तरीके से मिलती है। तो रख लेते हैं चलिए साइड में, देख लेते हैं हमारा वॉल चार्जर कितने एम्पियर का है। तो देख सकते हो Huawei की ब्रांडिंग के साथ आता है, 5W 2A का है। फास्ट चार्जर नहीं है ये, रेगुलर चार्जर है, Huawei की ब्रांडिंग के साथ मिलता है आपको। तो कुछ ये कंटेंट है जो इस फ़ोन के साथ आपको मिलते हैं। तो चलिए कर लेते हैं अपने फ़ोन को पावर ऑन और देख लेते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ किस तरीके की स्क्रीन है इस फ़ोन की। तो हमें जो स्क्रीन मिल जाती है वो 18:9 मिल जाती है, 5.9 इंच की फुल HD स्क्रीन लगी हुई है इसके अंदर। तो देख सकते हो स्क्रीन की शार्पनेस काफ़ी अच्छी है, साइड एंगल भी काफ़ी अच्छे हैं फ़ोन के, आप इजीली से रीड कर सकते हो साइड से भी। तो कुछ इस तरीके से आपको डिस्प्ले मिलती है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी में डिस्प्ले प्रोवाइड की है हमें ओनर ने। तो ये कुछ इस तरीके से इंटरफेस मिल जाता है आपको इसका। तो चलिए सेटिंग में देख लेते हैं हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इसमें प्रोवाइड करते हैं ओनर वाले। तो इनका जो सिस्टम लगा हुआ है EMUI वाला लगा हुआ है, और जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है वो मिल जाता है हमें Nougat 7.0 वाला, और 4G वाला वेरिएंट है हमारे पास ये। तो 64GB रोम में से हमें मिल जाती है इसमें 48GB फ्री। तो कुछ इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स मिलती है। चलिए कैमरा चेक कर लेते हैं। तो आपका फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है इनडोर में, तो बाद में चेक करेंगे इसे आउटडोर में। तो चलिए बैक कैमरा भी चेक कर लेते हैं इसका। तो बैक कैमरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे इसकी, काफ़ी शार्प है कैमरा इसका। तो चलिए मैं कुछ कैमरा सैंपल्स क्लिक कर लेता हूँ इस फोन के कैमरे से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके की क्वालिटी के पिक्चर से क्लिक कर लेता है। तो कुछ जो ये फोटोज है मैंने इसी के कैमरे से क्लिक किया। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।